दोस्तों नमस्कार आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी के बारे में इन अर्लियर वीडियो आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी प्रैक्टिकली मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कैसे मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी परफॉर्म की जाती है दोस्तों नाइन्टी परसेंट ऑफ द ग्रेजुएट्स वेटनरी ग्रेजुएट्स दे डोंट नो हाउ टू प्रैक्टिकली अप्रोच द मीडियल पैटेलर लिगामेंट इसकी हकीकत यह है कि थ्योरटिकली सबको बहुत अच्छे से आता है लेकिन प्रैक्टिकली इसको कैसे सीखें इसके लिए पहले आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए दोस्तों और दोस्तों थ्योरी में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनाटॉमी ऑफ द स्टाइफल जॉइंट दोस्तों यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी हो होती है एम एंड यू इनके बीच में डिफरेंस करना ही सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये ही अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता है एम पी डी एम पी डी ले एम पी डी एम पी डी करते रहते हैं लेकिन हकीकत में जो डिजीज़ का नाम है दोस्तों वो अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला है ये दोनों टर्मिनोलॉजी अलग अलग है दोस्तों एम पी डी इज़ नॉट ए डिजीज़ इट इज़ जस्ट एपरे इट इज़ जस्ट एन ऑपरेशन दोस्तों द फुल फॉर्म ऑफ यू एफ पी इज़ अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला in which patella will be fixed on the femur in between the medial and middle ligaments and the mpd is just operation medial patellar desmotomy desmotomy refers the operation of the ligaments due to the ligaments are attached to the patella that's why it is known as patellar desmotomy इफ़ देर इज इन्वॉलमेंट ऑफ मीडल लिगमेंट दैट इज मीडल पटेला डेस्मोटोमी सो यू एफ पी इज जस्ट ए डिजीज और अफेक्शन नॉट द ऑपरेशन एम पी डी इज द ऑपरेशन एम पी डी दोस्तों यहाँ पर एक ऑपरेशन का नाम है और यू एफ पी एक सर्जिकल अफेक्शन है तो दोस्तों ये दोनों वर्ड्स के बीच में पहले डिफ्रेंशिएट करना सीख लीजिए दोस्तों पटेला दो तरीके से फिक्स हो सकता है फीमर के ऊपर प्रॉक्सिमटली भी फिक्स हो जाता है और दोस्तों अपवॉर्ड भी फिक्स हो जाता है अगर दोस्तों पटेला अपवार्ड फिक्स होता है तो उसे अपवार्ड फिक्सेशन बोलते हैं और दोस्तों प्रॉक्सिमल फिक्स होता है तो उसे प्रॉक्सिमल फिक्सेशन बोलते हैं अब बात करें एम की तो ये एक ऑपरेशन है जिसमें मिडिल लिगामेंट को कट कर दिया जाता है और पटेला को फ्री कर दिया जाता है इसकी हकीकत यह है कि ये करना तो सब चाहते हैं लेकिन दोस्तों इसकी एनाटमी के बारे में नॉलेज आज भी बहुत सारे वेटनेरियंस को परफेक्टली नहीं है तो आज मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एनाटॉमी के बारे में बताऊँगा वैसे तो रैगिंग लेना गलत है लेकिन हम यहाँ पे स्टाइफल जॉइंट से इंट्रोडक्शन तो ले ही सकते हैं तो दोस्तों आओ हम यहाँ पे रैगिंग ना लेकर बहुत अच्छे से प्यार से स्टाइफल जॉइंट का इंट्रोडक्शन लेते हैं स्टाइफल जॉइंट क्या है और कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं वो तो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे एंटीरियर व्यू ऑफ लेफ्ट स्टाइफल जॉइंट को देखेंगे जो बाया स्टाइफल जॉइंट है उसकी एंटीरियर एंटीरियरली हम उसको देखेंगे कि सामने से वो क्या कंडीशन होती है उसकी एटमी की दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जो स्टाइफल जॉइंट है वो पर्टिकुलर एक सिंगल जॉइंट नहीं है वो दो जॉइंट मिलके एक जॉइंट बनाते हैं जिसमें फीमोरो पटेलर और, और फीमोरो टीबियल ये दो जॉइंट होते हैं दोस्तों अगर आप ऊपर देखेंगे इस डायग्राम में तो फीमर और नीचे टीबिया होती है और बीच में पटेला होता है लेकिन पटेला कभी भी टीबिया को टच नहीं करता है वो फीमर के ऊपर होता है दोस्तों हमेशा पर आप डायग्राम में देखेंगे तो लेटरल डायग्राम शो किया हुआ है यहाँ पे आप गौर करके देखिए जो पटेला मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे स्केच के अंदर ये फीमर के ट्रॉकलियर डिस्टल एंड के ऊपर दोस्तों फिक्स है देर इज नो काइनेटिक अटैचमेंट टू द टीबिया हाउ एवर स्ट्रक्चर्स आर अटैच टू द टीबिया एंड पटेला एंड द फीमर ऑल स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन सिंगल सिस्टम दैट इज नोन एज स्टाइफल ज्वाइंट अब दोस्तों यहाँ पे फीमर और पटेला जो अटैच है इस जॉइंट को बोलते हैं फीमोरो पटेलर ज्वाइंट और दोस्तों जो फीमर और टीबिया अटैच है इसको बोलते हैं फीमोरोल ज्वाइंट यू शुड बी रिमेंबर दैट टू जॉइंट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टाइफल ज्वाइंट यहाँ पे दोस्तों डायग्राम के अंदर लेटरल व्यू शो किया हुआ है मैंने ये आप माइंड में रखें हमेशा ये ध्यान रखें नो काइनेटिक कनेक्शन ऑफ पटेला टू टीबिया दैट मीन्स पटेला का कोई भी मोशन में टीबिया से कनेक्शन नहीं होता है वो हमेशा फीमर के डिस्टल एंड पे ट्रॉकलिया पे ही ग्लाइड करता रहता है तो कई लोगों का ये भ्रम होता है कि जो पटेला होता है वो टीबिया और फीमर के बीच में होता है जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों ये हमेशा और हमेशा डिस्टल एंड ऑफ द फीमर के ऊपर ही ग्लाइड करता रहता है ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए दोस्तों हम यहाँ पर वेल एनाटमी को समझेंगे मैंने यहाँ पर स्केच शो किया हुआ है जिसके अंदर लेफ्ट स्टाइफल जॉइंट को शो किया है उसके एंटीरियर व्यू को शो किया है अब मैं धीरे धीरे यहाँ पे बताता चलूँगा कि कौन कौन सी पोजीशन क्या क्या है तो आप कंसंट्रेट होकर यहाँ पे इस डायग्राम को देखते चलें आपका मैं डेफ़िनेटली कह रहा हूँ एनाटमी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ ये जो ये पटेलर फिक्सेशन की कंडीशन होती है ये नॉन इन्फ्लोमेटरी कंडीशन होती है और सडनली आती है दोस्तों यहाँ पे और इसका करेक्शन भी बहुत जरूरी है और इसका करेक्शन मैजिकली होता है तो उसके लिए आप एनाटमी को अच्छे से देखें और आप सीख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर दिखाया हुआ है ये फीमर बोन दिखाई हुई है फीमर बोन आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे और जो उसके नीचे जो उभार दिख रहे हैं दोस्तों ये ट्रोकलिया है ये डिस्टल एंड है फीमर का और यहाँ पे ट्रोकलिया शो किया हुआ है और दोस्तों ये ट्रोकलिया जो है यहाँ पे जो दो आपको उभार दिख रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों एक जो है मीडियल साइड है और एक लेटरल साइड है तो कौन कौन सी मीडियल है और कौन कौन सी लेटरल साइड है ये हम नेक्स्ट जो डायग्राम स्लाइड शो आएगा वहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों इस ट्रोकलिया के ऊपर ही जो पटेला है वो ग्लाइड करता रहता है तो आप ध्यान रखें अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मीडियल सरफेस है वहाँ पे मीडियल लिगामेंट आए गए और ये लेटरल सर्फेस है दूसरी तो एंटीरियरली मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि मीडियल सर्फेस कौन सी और लेटरल सर्फेस कौन सी है तो आप ये याद रखें क्योंकि मैं जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताऊँगा वहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी तो दोस्तों जो मीडियल सर्फेस है वो टूवॉर्ड्स द मीडियन प्लेन होती है दोस्तों टूवर्ड्स द मीडियन प्लेन होती है और लेटरल सर्फेस है वो आउटसाइड द बॉडी की तरफ जाती है सॉरी आउटसाइड द इन्वायरमेंट की तरफ जाती है तो दोस्तों ये मीडियल और लेटरल सर्फेस है अब दोस्तों ये मीडियल सरफेस की तरफ जो है ये मीडियल ट्रॉक्लियर रिज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने माइंड में बिठा लें इसको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीडियल ट्रॉक्र रिज अगर आपको ये समझ में आती है आप मीडियल पटेलर डेस्मोटॉमी भी अच्छे से सीख लेंगे दोस्तों और दोस्तों इसके जो दूसरी तरफ है ये लेटरल ट्रोकलियर रिज है ये दोनों की दोनों डिजिटल एंड पे रिज होती हैं और इनके बीच में दोस्तों मिडिल लिगामेंट होता है और जो मीडियल ट्रॉक्लियर रिज है वहाँ पर मीडियल और लेटरल की तरफ लेटरल लिगामेंट होता है तो दोस्तों नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे इसमें दोस्तों फीमर के नीचे टीबिया शो की हुई है और टीबिया और फीमर के बीच में दोस्तों एक फाइब्रस पैड होते हैं उन्हें बोलते हैं दोस्तों ये फीमर और टीबिया के बीच में जो जॉइंट होता है वहां पे दोस्तों मोशन इजिली करवाने के लिए होती है अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि फीमर की जो ट्रॉकुलियर रीजेस हैं उनके बीच में पटेला शो किया हुआ है आप अच्छे से इस चीज को नोट कर लें अपने माइंड में क्योंकि ये मैंने डायग्राम एनाटोमिकली अभी बोन दिखाई है बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मसल्स वगैरह आ जाती हैं और ये पटेला कैसे छुप जाता है आप देख नहीं सकते इसको क्योंकि ये रेडियोग्राफ में ही दिख सकता है या फिर आप पूरा ओपन करके देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटेला कैसे ट्रॉकलेट रिज के बीच में है क्योंकि कई बार लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है जैसा कि एस आई टोल्ड यू अर्लियर कि पटेला जो है टीबिया और फीमर के बीच में मोशन करता है जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों ये हमेशा और हमेशा फ़ीमर के डिस्टिल एंड पे ही रहता है और वहीं पे ग्लाइड करता रहता है लेकिन इसका होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी की वजह से ही एक्सटेंशन और फ्लैक्सन की मोशन आसानी से हो पाती है दोस्तों और पूरा की पूरा जो लेमनेस सॉरी मूवमेंट है एनिमल का वो प्रॉपर हो पाता है तो इस्टाइफल जॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों डेस्मोटोमी को समझने के लिए दोस्तों इस डायग्राम के अंदर क्वाडरी सेप्स मसल चो की हुई है और ये क्वाटरी सेप्स मसल जो है इसी से ही दोस्तों ये सीस्मोइड पटेला डेवलप होता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो पटेला होता है वो एक सीस्मोइड बोन है और सीस्मोइड बोन हमेशा टेंडन से डेवलप होती है तो क्वाटरी सेप्स के जो टेंडन है वहीं से पटेला डेवलप होता है तो ये पटेला इस वजह से यहाँ पर रहता है और इसी से टेंडन निकल के बाद में टीबिया से जुड़ता है और अलग अलग एनिमल में अलग अलग कंडीशन होती है दोस्तों लेकिन अभी हम यहाँ पर बोवाइंस की बात कर रहे हैं अब दोस्तों आप देखेंगे नीचे टीविया पे एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी शो की हुई है ये पॉइंट डिनोट करता है कि यहाँ पे एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी है क्योंकि ये क्रेनियल बॉर्डर है टीबिया का और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एंटीरियरली हम देख रहे हैं स्टाइफल जॉइंट को तो ये एंटीरियर बॉर्डर है दोस्तों हाँ एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी है तो आप अच्छे से गौर से देख लीजिए दोस्तों इसको क्योंकि ये एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी ही लैंडमार्क है एम पी डी का इस एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी पर ही लिगामेंट आके पटेला से और टीबिया पे अटैच होते हैं तो इस पॉइंट पे ही तीनों लिगामेंट अटैच रहते हैं दोस्तों तो इसे अच्छे से नैनो में बसा लें अपने दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि मीडियल सरफेस से मीडियल लिगामेंट गुजरता है तो दोस्तों ऊपर देखेंगे आप जो रिच के ऊपर पटेला है जो मसल में छुपा हुआ है वहाँ से दोस्तों मीडियल लिगामेंट मीडियल साइड से सा आके और नीचे टीबिया की एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी पे आके फिनिश हो जाता है वहीं पे उसका एंड हो जाता है दोस्तों तो ये मीडियल लिगामेंट एक कॉर्ड की तरह होता है रस्सी की तरह होता है दोस्तों ये ज़्यादा चौड़ा और मोटा नहीं होता है लेकिन ये रस्सी की तरह होता है अगर आप इसको फील करेंगे तो ये कॉर्ड की तरह दिखेगा दोस्तों अगर इसको आप कंपेयर करेंगे तो मिडिल लिगामेंट से तो मिडिल लिगामेंट चौड़ा मोटा और जो है इसी पॉइंट पर के अटैच होता है यहाँ पर एंटी ट्यूब्रोसिटी पे और मिडिल और मीडियल दोनों लिगामेंट के बीच में दोस्तों लगभग दो सेंटीमीटर का गैप होता है तो इसलिए एमपीडी में इतनी कोई खास रिस्क की बात होती नहीं अगर आप स्किल्ड हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप मिडिल और मिडिल लिगामेंट शो किया हुआ है तो इसमें नीचे मैंने बता रखा है कि जो मिडिल लिगामेंट है दोस्तों वो रस्सी के जैसा होता है और मिडिल लिगामेंट है वो बहुत मोटा चौड़ा और सबसे बड़ा होता है तीनों लिगामेंट में सबसे बड़ा लिगामेंट दोस्तों मिडिल लिगामेंट होता है तो ये आप याद रख सकते हैं तो कई आर्टिकल्स में बता रखा है कि जो मिडिल लिगामेंट है और मिडिल लिगामेंट है इनके बीच में इतना गैप होता है कि अगर आप परफेक्टली इसके एनाटॉमी को समझ लेते हैं तो आप कभी एम गलत कर ही नहीं सकते डेस्माटोमी हमेशा मिडिल लिगामेंट की ही करेंगे आप क्योंकि वो ईजिली फील हो जाता है कॉर्ड की तरह होता है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे लेटर लिगामेंट शो किया हुआ है जो पटेला से निकल के तीनों लिगामेंट पटेला से निकलते हैं और एंटीरियर बॉर्डर की एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी पे आके समाप्त हो जाते हैं तो दोस्तों आप इस एनाटॉमी को फिक्स कर लें ये एंटीरियर व्यू है मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोस्तों ये एंटीरियर व्यू है लेफ्ट साइड साइड ऑफ स्टाइफल जॉइंट का और स्टाइफल जॉइंट के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों दोस्तों स्टाइफल जॉइंट के इन्फ्लामेशन को गोनाइटिस बोला जाता है लेकिन ये नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन है एम की यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता ये एक्वायर्ड कंडीशन होती है कभी कभी हेरिडिटरी भी हो जाती है लेकिन जनरली ये इन्वायरमेंट से एक्वायर्ड होती है दोस्तों अगर बात करें हम साइट ऑफ इंसिजन की तो दोस्तों जो मीडियल लिगामेंट है वो टीबिया से थोड़ा सा ऊपर से काटा जाता है आप देख सकते हैं यहाँ से साइट ऑफ ऑपरेशन है ये मीडियल लिगामेंट की मीडियल लिगामेंट को यहाँ से सब कट कर दिया जाता है दोस्तों आप देख सकते हैं और इसको माँग, अपने माइंड में बिठा सकते हैं दोस्तों कई ऐसे वेटनरियन है जो इसको कर भी लेते हैं लेकिन आज भी उनको इसके एनाटमी नहीं पता है वो ब्लाइंडली इसको काट देते हैं लेकिन कभी कभी दोस्तों ध्यान रखना कि अगर गलती से मिडिल लिगामेंट कट गया तो दोस्तों गाय खड़ी नहीं हो पाएगी भैंस खड़ी नहीं हो पाएगी बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी दोस्तों मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको इसके एनाटमी को ऊपर गेस्टोसिनी मसल है दोस्तों जिसके नीचे फीमर बोन छुपी हुई है और पटेला उसी में छुपा हुआ है वहाँ से दोस्तों तीन लिगामेंट निकलते हैं मिडिल मीडियल और लेटरल लिगामेंट और मीड मिडिल लिगामेंट है उसके दोनों साइड एक साइड मीडियल रिज दूसरी साइड लेटरल पटेलर रिज होती है फीमर और टीबिया के बीच में ही होती है और साइड में थोड़ी सी फिबुला बोन रूडिमेंट्री होती है दोस्तों इन लिगामेंट एंटीरियर या क्रेनियल ट्यूब्रोसिटी जो होती है क्रेनियल बॉर्डर ऑफ टीबिया की वहाँ पे एंड हो जाते हैं तो दोस्तों आप इस एनाटॉमी को अपने नैनो में बसा लें बहुत वेरी वेरी पिक्युलर एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द मिडिल पटेलर डेस्माटोमी और इसके बिना अगर आप डेस्मोटोमी परफॉर्म करते हैं तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे क्योंकि इसकी एनाटमी को आप प्रैक्टिकली और थियोरटिकली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है कई आर्टिकल कहते हैं दोस्तों कि अगर बाई चांस किसी इमरजेंसी कंडीशन में कई बार गाय पैर से झटका मार देती है और गलती से अगर मिडिल लिगामेंट कट जाता है दोस्तों अगर ये फोर्टी परसेंट तक दोस्तों कट जाता है तो भी एनिमल रिकवर हो जाता है लेमनेस उसकी हल्की फुल्की रहती है और वो रिकमेंट नहीं रहता है लेकिन अगर फोर्टी परसेंट से ज़्यादा अगर मिडिल लिगामेंट कट जाता है दोस्तों बहुत बड़ी कंडीशन आ जाती है ध्यान रखें इस चीज़ का अब बात करते हैं आखिर ऐसा क्या है क्यों पटेला फिक्स होता है वॉट इज द रीज़न फॉर अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला क्या रीजन है दोस्तों तो आइए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों पटेला इन जनरल अकेला वहाँ पे सिचुएटेड नहीं होता है उसके साथ में कुछ कार्टिलेज भी होती है दोस्तों तो जो पटेला की मीडियल बॉर्डर होती है दोस्तों वहाँ पे एक वेल डेवलप्ड फाइब्रो कार्टिलेज होती है दोस्तों तो जो मीडियल बॉर्डर है पटेला की वहाँ पे जो वेल डेवलप्ड कार्टिलेज है दैट गेट्स हुक्ड ओवर नोब ऑफ मीडियल ट्रोकलियर रिज ऑफ द फीमर फीमर की जो मीडियल टोकलिया रिज होती है वहाँ पे वो कार्टिलेज की वजह से हुक हो जाता है पटेला और साथ में मिडिल लिगामेंट दोस्तों उसकी हेल्प करता है जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल नहीं पाता है एंड लैक्सिटी ऑफ द पटेलर लिगामेंट्स प्रीडिसपोजेज द एनिमल टू अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ द पटेला रिलैक्सड लिगामेंट्स अलाउ द पटेला टू ग्लाइड फ्रीली ऑन द आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ द टोकलिया इफ द लिम्ब इज ओवर एक्सटेंस्ड ड्यू टू मस्कुलर क्रैम्प और एक कन्फर्मेटरी डिफेक्ट पटेलर एपेक्स में गेट जैम्ड बिटवीन द टोकलियर रिजिस बाय हुकिंग द मीडियल फाइब्रोकार्टिलेज ओवर द मीडियल टोकलियर रिज एंड फाइनली दिस वुड लीड टू कंप्लीट एक्सटेंशन ऑफ द लिम इन द बोवाइंस तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि जो पटेलर लिगामेंट हैं उनमें इतना ढीलापन होता है कि उसकी वजह से अपवार्ड फिक्सेशन प्रीडिस्पोज होता है प्री फैक्टर क्या होते हैं जो डिजीज़ को बढ़ावा देते हैं तो जो ढीला बने इन लिगामेंट्स का इन रस्सियों का ढीलापन है उसमें पटेला ईजिली लॉक हो जाता है और तो जब किसी भी कारण से लिम्ब ओवरफ्लैक्स होता है तो उस सॉरी ओवर एक्सटेंड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है वो जो रिलैक्सडेलर लिगामेंट्स होते हैं उनमें दोस्तों वो फंस जाता है हुकड हो जाता है वहाँ पर फाइब्रोकार की वजह से तो दोस्तों अब बात करेंगे हम वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स विच फेवर्स द पटेलर फिक्सेशन में दोस्तों सबसे पहला लैक्सिटी ऑफ द पटेलर लिगामेंट्स तो मैंने आपको बता चुका हूँ इसका मतलब है जो पटेलर लिगामेंट जो एकदम लूज होते हैं ढीले होते हैं उसकी वजह से फंस जाता है वहाँ पे पटेला अब बात करते हैं एज ऑफ द एनिमल की तो दोस्तों कई आर्टिकल कहते हैं कि यंग एनिमल के अंदर ये ज़्यादा होता है क्योंकि यंग एनिमल के अंदर ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये प्रॉपरली मेचोर फॉर्मेशन नहीं हो पाता इनका जिसकी वजह से कई बार इनकी इलास्टिसिटी की वजह से वहाँ पे फिक्स हो जाता है पटेला बात करें क्लाइमेटिक कंडीशन की तो दोस्तों विंटर सीजन में ये बहुत ज़्यादा होता है रेदर देन समर सीज़न और दोस्तों बात करें ड्राफ्ट कंडीशन की तो जो ड्रॉड पर्पज एनिमल होते हैं जो हैवी वर्किंग एनिमल होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वजन लाद दिया जाता है काम करने के लिए तो उनमें दोस्तों इतना प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर पटेला ईजीली लॉक हो जाता है दोस्तों एनिमल को उतना ही वजन ढोने के लिए दो जितना वो रखता हो कैपेसिटी ढोने डो, की अब बात करें दोस्तों जेस्टेशन की तो एडवांस जेस्टेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों कई मिनरल्स की विटामिस् की इनकी कमी हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है जॉइंट्स का और जो लिगामेंट्स हैं उनमें स्ट्रेच आ जाता है जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है एडवांस जेस्टेशन के अंदर एडवांस प्रेगनेंसी के अंदर दोस्तों क्या होता है कि एमपीज की अपवार्ड फिक्सेशन और पटेला की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि एडवांस जस्टेशन में अगर नहीं हो पाता है फिक्सेशन तो अर्ली लैक्टेशन में भी अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उसकी वजह से दोस्तों पटेला लॉक हो जाता है बात करें ऑक्यूपेशनल ट्रॉमा की तो पथरीले जो इलाके हैं दोस्तों जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि पैर ऐसी जगह पड़ जाता है गाय का या भैंस का कि उसकी वजह से भी पटेला लॉक हो जाता है टेढ़े मेढे पैर कर... पड़ने की वजह से वापस वो फाइब्रो कार्टिलेज का जो हुकिंग हो जाती है दोस्तों वहाँ पे रिज के अंदर तो वापस तो फिक्स हो जाता है बात करें हेरिडिटरी फैक्टर की तो कई आर्टिकल्स दोस्तों ये कहते हैं कि कांकरेज जैसी जो ब्रीड होती है कैटल की उसमें भी कभी कभी, कभी दोस्तों ये हेरिडिटरी फैक्टर की वजह से भी होता है कुछ जीन्स होते हैं दोस्तों जो कांक्रेज की आ, सायर और डैम से दोस्तों प्रोजनी के अंदर जाते हैं और ये प्रमोट करते हैं फिक्सेशन ऑफ पटेला को बात करें हार्मोनल इंबैलेंस की तो दोस्तों कुछ आर्टिकल्स और कुछ बुक्स ये बोलती हैं कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है अगर उसका लेवल दोस्तों ब्लड में कम रहता है तो उसकी वजह से भी ये फिक्सेशन ऑफ पटेला फेवर होता है दोस्तों अपवाड फिक्सेशन ऑफ पटेला की कंडीशन को बढ़ावा देता है अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ब्लड में कम है किसी भी कंडीशन की वजह से तो दोस्तों क्या होता है हम एग्जोजीनस क्योंकि ये कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि अगर एनिमल अपवार्ड फिक्सेशन की कंडीशन में है तो उसको एक्जोजीनस इस्ट्रोजन देते हैं तो उससे दोस्तों क्या होता है स्ट्रेच होता है लिगामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा और पटेला वहाँ से फ्री हो जाता है तो दोस्तों ये कंडीशन हैं जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के अंदर आती हैं बात करें अगर दोस्तों सेक्स की तो दोस्तों फीमेल के अंदर ये कंडीशन ज़्यादा आती है रेदर देन मेल तो दोस्तों ड्राफ्ट पर्पज और फीमेल और हार्मोनल इम्बेलेंस भी मेजर कारण है और दोस्तों अगर टोटल देखें हम तो यहाँ पे आपको मैंने नौ फैक्टर बताए हुए हैं मैं रिपीट करा देता हूँ इनको लैगज ऑफ पटेलर लिगामेंट्स एज ऑफ द एनिमल दैट इन्वॉल्व यंग एनिमल क्लाइमेटिक कंडीशन विच इन्वॉल्व विंटर सीजन प्रॉफ्ट कंडीशन एडवांस जेस्टेशन अर्ली लैक्टेशन ऑक्यूपेशनल ट्रामा हेरिडिटी फैक्टर और हॉर्मोनल इम्बेलेंस अब बात करें क्लिनिकल साइन की तो दोस्तों ओवर एक्सटेंडेड लिम्ब जो होता है जिसे बोलते हैं स्विंग स्विंगिंग लिम्ब हवा में तैरता हुआ जो पैर होता है तो दोस्तों ओवर एक्सटेंडेड लिम्ब और जर्की की फ्लैक्शन ऑन एवरी स्टेप ड्यूरिंग प्रोग्रेशन ये मेजर क्लिनिकल साइन है दोस्तों ये दो ही क्लिनिकल साइंस ऐसे हैं जो पिक्यूलर हैं और ये डिनोट करते हैं एम आप देख सकते हैं यहाँ पे बात करें सर्जिकल ट्रीटमेंट की तो दोस्तों जो मीडियल पटेला डेस्मोटोमी ऑपरेशन है उसको वेस्टर्न कंट्रीज में बसीज मेथड के नाम से जाना जाता है और ये सबक्यूटेनियस डिवीजन ऑफ मीडियल लिगामेंट्स को डिनोट करता है जो मीडियल लिगामेंट है उसको काट दिया जाता है दोस्तों और उससे क्या होता है पटेला फ्री हो जाता है और फ्रीली वो ग्लाइड करता है से और मैजिकली एनिमल रिकवर हो जाता है as we all know that the medial patellar ligament is widely separated from the middle patellar ligament at both ends that's why we can easily perform that desmotomy of medial ligament so in bovines the subcutaneous division of the medial patellar ligament is the common surgical treatment to correct upward fixation of patella it is known as Bassi's method in western countries so देर आर टू मैथड्स फॉर परफॉर्मिंग डेस्मोटॉमी आइदर बाय स्टैप मेथड स्टेप मेथड और ओपन अप्रोच स्टैप मेथड के अंदर क्या करते हैं सीधा स्टैप डालते हैं और मिडिल लिगामेंट को ब्लाइंडली कट कर देते हैं ओपन अप्रोच में क्या किया जाता है कि जो मिडिल लिगामेंट है उसके ऊपर से स्किन इंसाइज वहाँ से लिगामेंट को काटा जाता है अब बात करते हैं ट्रीटमेंट से पहले ध्यान रखने वाली बात तो जिस लिंब में अफेक्शन है उसी साइड एनिमल को रिस्टेन करके गिराना है और वहीं पर ही परफॉर्म करना है अफेक्टेड लिम को अच्छे से खींच लो पीछे पीछे अच्छे से खींचे जाता है ताकि साइट अच्छे से एक्सपोज हो सके मतलब जो लिम जो अफेक्टेड है उसको रस्सी से अच्छे से एक्सटेंड कर लीजिए और वहाँ पे एक्सपोज जो साइट है उसको बढ़िया से एक्सपोज कर लीजिए अगर साइट अच्छे से एक्सपोज हो जाती है दोस्तों तो ईजली वहाँ परफॉर्म हो जाती है डेस्मोटोमी वरना वहाँ पर वो ट्यूब्रोसिटी में ही कन्फ्यूजन होता रहता है और ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये लिगामेंट इस तरफ है या इस तरफ है क्योंकि जो अर्डर होते हैं एनिमल के वो इतने वेल डेवलप्ड होते हैं कि वो इसको स्टैफल जॉइंट को कवर करके रखते हैं और उससे ओवर जो हमारा मतलब एक्सपोजर है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है दो सम क्लिनिशियंस प्रीफर द सर्जरी इन द स्टैंडिंग एनिमल फीसियस एनिमल्स में नॉट अलाउ इवन ए टच इन द रीजन फर्दर इन लैक्टेटिंग एनिमल्स द एरिया इज लार्जली कवर्ड बाय द अर्डर देयर फोर ए लेटरल रिकम्बेंसी इज प्रिफर्ड the animal is cast with the affected limb lowermost and the other three limbs are tied together the stab method so the site is prepared for the aseptic surgery and infiltrated with local anesthetic solution that is lignocaine 2% lignocaine the index finger is moved forward or upward along the cranial border of the tibia till the cranial tibial tuberosity is reached where थ्री स्ट्रेट पटेलर लिगामेंट्स आर अटैचड द क्रेनियल लिगामेंट इज ट्रेस्ड एज ए ब्रॉडेस्ट एंड थिक्केस्ट अमोंग द थ्री पटेलर लिगामेंट्स द फिंगर इज स्लिप्ड इनवर्ड एट द लेवल ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया इन टू द ग्रू बिटवीन द क्रेनियल एंड मीडियल लिगामेंट्स द फिंगर इज दैन मूव्ड ओवर द मीडियल लिगामेंट विच इज फैल्ट एज ए प्रोमिनेंट कॉर्ड एक रस्सी की तरह दिखेगा बढ़िया through the medial ligament is widely separated from the middle ligament it is not possible to appreciate a groove in between due to adipose and fibrous tissue टिश्यू so, तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको इंडेक्स फिंगर को जो टीबिया की एंटीरियर बॉर्डर है या क्रेनियल बॉर्डर जिसे बोलते हैं वहाँ से उसको ऊपर की ओर लेके जाना है मतलब अपवार्ड थ्रूवॉर्ड स्टाइफल जॉइंट लेके जाना है क्रेनियल बॉर्डर से और वहाँ पे जहाँ पे जो टीबी एंड होती है वहाँ पे आपको क्रेनियल ट्यूब्रोसिटी फ़ील होगी उसकी तो वहाँ पे फील करके वहाँ थंब लगा लेना है और फिर मीडियल सरफेस की तरफ जाना है तो मीडियल सरफेस की तरफ जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मीडियल ट्यूब्रोसिटी दिखेगी तो मीडियल ट्यूब्रोसिटी पर आपको अपनी रिंग फिंगर और एंटीरियर ट्यूब्रोसिटी पर आपको अपना थम्ब यानी कि अंगूठा रखना है और उसके बाद जो इंडेक्स फिंगर है उससे आपको मिड मीडियल लिगामेंट को फील करना है और मीडियल लिगामेंट एक कॉर्ड जैसा होगा जबकि जो मोटा लिगामेंट दिखेगा दोस्तों वो मिडिल लिगामेंट होगा उसको भूल के भी भूल से भी मत काट देना अगर वो कट गया तो दोस्तों लेमनेस कन और एनिमल रिकवर नहीं कर पाएगा तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करते हुए एंटीयर बॉर्डर की तरफ जाके फिर मिडल बॉर्डर की तरफ जाना है और वहाँ पे एंटीयर मीडल दोनों ट्यूब्रोसिटी को फील करते हुए मिडिल लिगामेंट को अप्रोच करना है मिडिल लिगामेंट से ऊपर की तरफ मिडिल की तरफ मीडल लिगामेंट होगा और उस मीडल लिगामेंट के बीच में स्टैब इंसिजन लगा के उसको कट कर देना अब मैं आपको बता देता हूँ कई बार कन्फ्यूजन रहता है इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है तो दोस्तों तो ये इंडेक्स फिंगर होती है इससे आपको अप्रोच करना है और इतना कोई टफ प्रोसीजर नहीं है अगर आपने एनार्टमी अच्छे से समझ ली है तो आप यू कैन डू ईजली देर इज नो एनी कन्फ्यूज़न तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे स्टैब इंसिजन लगाते हैं दोस्तों बात करें ओपन अप्रोच टू मीडियल लिगामेंट की तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक तो कन्फ्यूजिंग प्रोसीजर है जैसे ही आप ओपन अप्रोच की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जैसे ही आप खोलते हैं स्किन से और जॉइंट को अप्रोच करते हैं तो आप ये देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पे इतनी स्ट्रक्चर्स हैं तो इसमें से कौन सा मीडियल लिगामेंट है तो दोस्तों मेरा तो पर्टिकुलरली आपको ये बेसिकली एडवाइस है कि ओपन अप्रोच को फॉलो ना करें और अगर फिर भी आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर इसको करना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है ए स्मॉल इंसिजन इज मेड इन द स्किन डायरेक्टली ओवर द मीडियल लिगामेंट स्टार्टिंग इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ द मीडियल टीबियल ट्यूब्रोसिटी टूवर्ड्स द क्रेनियल टीबियल ट्यूबरसिटी आफ्टरवर्ड्स द इंडेक्स फिंगर इज पास्ड इन टू द वुंड एंड द स्किन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द फेस या ऑल अराउंड द साइट आफ्टरवर्ड्स द फेजियर इज डिसेक्टेड टू एक्सपोज वाइट ग्लीसनिंग मीडियल पटेलर लिगामेंट एक चमकदार बढ़िया लिगामेंट दिखेगा रस्सी जैसा दिखेगा पूरा कॉर्ड होगी द लिगामेंट इज एक्सटीरियराइज बाय पासिंग ए करउड सीजर्स और ए टिक्युलम फ्लैट वाइज अंडर द लिगामेंट फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स द लिगामेंट इज देन सेक्शन नियर इट्स इंसरसन यूजिंग ए नाइफ The wound is explored with index finger and undivided fibers of the ligament are सीवियर्ड completely. उसके बाद जो cutaneous wound है उसको सूचर कर देते हैं एक या दो इंटरप्टेड सूचर पैटर्न से उसके बाद सात या दस दिन बाद उसको सूचर्स को वहाँ से रिमूव कर देते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते रहते हैं तो दोस्तों बात करें अगर पोस्ट ऑपरेटिव केयर की तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पे मैगट्स पड़ जाते हैं मक्खियाँ बैठती हैं तो मैगट्स हो जाते हैं दोस्तों अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ प्रोट्रूजन ऑफ द एडिपोस्ट टिश्यू थ्रू द गैप क्रिएटेड बाय द कट्स एंड ऑफ द लिगामेंट सीजेशन ऑफ़ क्रंचिंग साउंड एंड immediate रिलीफ ऑफ द करेक्टरिस्टिक जर्की फ्लैक्शन ड्यूरिंग प्रोग्रेशन आर इंडिकेशन ऑफ ए सक्सेसफुल medial patellar डेस्मोटोमी दोस्तों अगर वहाँ पे गड्ढा हो गया जहाँ से आपने लिगामेंट काटा है और जो जर्की की मोवमेंट्स हैं वो दूर हो गए हैं तो दोस्तों इसका मतलब है आपने सक्सेसफुल कर दिया है केस और अब दोबारा वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बात करें पीओसी की दोस्तों पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर आप एनालैसिक एंटी इन्फ्लोमेट्री और एंटीबायोटिक का तीन दिन तक इस्तेमाल करें और जहाँ पर इंसीजन साइट है वहाँ पर आप कोई भी फ्लाई रिपेलेंट को लगाते रहें जिससे क्या होगा वहाँ पर मैगट्स नहीं पड़ेंगे क्योंकि मेन तो इसमें मैगट्स ही हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पे मैगट्स इतने ज़्यादा जाते हैं और कोई भी ऐसी आर्टरी रिसिवियर हो जाती है कट जाती है तो उससे ब्लीडिंग होती है तो हीमेटोमा बन जाता है ये दो ही मेन रीजन है इसमें कॉम्प्लिकेशन के पहला तो मैगटेड मैगटेडव दूसरा हीमेटोमा तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर कुछ नहीं करना है मेलॉक्सिकेम पॉइंट थ्री पर के बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर और स्ट्रेप्टोपेनिसिन भी आप लगा सकते हैं इसको और साथ में आप कोई भी एनाल दे सकते हैं वैसे मैलॉक्सिक एम ही एनालजेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी दोनों का काम कर देता है कई बार सीराकाइड बोलस भी यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों पीओसी के अंदर दो ही कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वापस से एक तो मैगोटेड वुंड है और दूसरा हेमाटोमा क्रिएट होता है तो इन दोनों को ही दूर करने के लिए आपको क्या करना होता है जब आप एम करें तो उस टाइम पर कोई भी ब्लीडिंग थोड़ी सी भी दिखे तो वहाँ से ब्लड वापस निकाल लें वापस से काटें नहीं उसको कि वहीं से काट रहे हैं वापस ब्लड आ रहा है लेकिन हीमोस्टेसिस हो नहीं रिया करें तो ऐसा ना करें ठीक है दूसरा क्या है इसको अच्छे से बीटाडीन से वॉश करके और प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर करें तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो जो नीचे जो लाल बटन दे रखा है ना एक दाई साइड में उसको दबा दीजिए वो सब्सक्राइब का है उससे क्या होगा कि अगली में कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो दोस्तों जय हिंद जय जै भारत धन्यवाद